व्हीलचेयर पर बैठकर अवार्ड लेने पहुंचे थे सुरमा भोपाली। फोटोज हुई वायरल। दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर जगदीप ने बुधवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप के निधन से बॉलीवुड गलियारों में शोक की लहर है। जगदीप का हिंदी सिनेमा में योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 2019 में जगदीप को आईफा अवार्ड्स में विशेष सम्मान दिया गया था। जगदीप को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जगदीप को आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया सिनेमा का अवार्ड डायरेक्ट रमेश सिप्पी और एक्टर रणवीर सिंह ने दिया था। तब जगदीप आईफा के मंच पर व्हीलचेयर में बैठकर अवार्ड लेने पहुंचे थे। आईफा में सभी एक्टर्स ने मिलकर जगदीप को ट्रिब्यूट दिया था। स्टेज पर जगदीप के साथ उनके बेटे जावेद जाफरी, नावेद जाफरी और उनके पोते मिजान जाफरी मौजूद थे। जगदीप को उनके कॉमिक्स रोल्स के लिए जाना जाता था। कॉमिक किरदार में जगदीप का कोई शानी नहीं था। उनका कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी। अपने करियर में जगदीप ने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। कम उम्र से ही जगदीप ने इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिल्म शोले में उनके द्वारा निभाया गया किरदार सुरमा भोपाली आज तक लोगों के बीच पॉपुलर है। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बी आर चोपड़ा के फिल्म अफसाना से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी।